हेलो एवरीवन, और मैं आपका हॉस्पिटैलिटी मेंटर रवि सावंत। और आज जिस विषय में मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए बैठा हूं उसका नाम है सैलरी ऑफ अ शेफ। अब शेफ की सैलरी क्या है, ये बात का क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि भाई शेफ की सैलरी होती कितनी है एक होटल में। देखिए, ये बात का बहुत सीधा जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका बात मैं ऐसे बोलूं अगर कि होटल अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, पर शेफ तो सब जगह होते हैं। अब जब एक कैटेगरी का होटल होगा उसका शेफ की सैलरी अलग तरीके की होगी, मान लीजिए कोई एक 5-स्टार कैटेगरी का होगा तो उसके शेफ की सैलरी अलग टाइप की होगी, और दोनों की रिक्वायर्ड स्किल लेवल भी फ़र्क होंगी। हालांकि हैं तो दोनों शेफ, बोला दोनों को शेफ जाता है, पर दोनों का स्किल सेट लेवल फ़र्क होता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक 3-स्टार होटल है जो एक छोटे शहर पे है, बी ग्रेड सिटी में है, तो वहाँ के जो रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ शेफ डिफरेंट है, वहाँ का क्लाइंटल डिफरेंट है, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। पर अगर वही 3-स्टार होटल एक मेट्रो सिटी में होगा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर, वहाँ के रिक्वायरमेंट फ़र्क है, वहाँ का क्लाइंटल फ़र्क है, तो वहाँ के शेफ की नीड्स भी फ़र्क है, उसी हिसाब से वहाँ के शेफ की सैलरी भी फ़र्क होगी। पर एक जनरलाइज टर्म में बात किया जाए, शेफ जैसे ही आप एक किचन में ज्वाइन करते हो आप बन तो शेफ ही जाते हो, और एग्जीक्यूटिव शेफ तक आप शेफ ही रहते हो, बस लेवल फ़र्क है, एक एग्जीक्यूटिव शेफ है कोई कौमी है। यूजुअली एक कौमी शेफ की यानी कि कौमी 3 की एक होटल में तनख्वाह 12,000 से 15,000 तक होती है। फ्री फूड होता है और लीव्स होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं, फिर वो धीरे धीरे स्किल सीखने लग जाता है और उसे खाना बनाना और बेहतर आने लगता है। खाली खाना बनाना नहीं, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाती है, उसे रिपोर्ट्स पढ़नी आ जाती हैं, वो अपनी फूड कॉस्ट मेंटेन करना अच्छे से सीख जाता है, फिर वो CDP बनता है यानी कि अपने ब्रिगेड का सुपरवाइज़र, फिर उसकी सैलरी 20-25-30,000 तक भी हो सकती है, उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वो धीरे धीरे सूस शेफ बन जाता है यानी कि सेकेंड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ के सेकेंड इन कमांड, तब उसकी सैलरी 40,000, 45,000, 70,000 तक हो सकती है, 80,000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और क्या उसका स्किल है। वो शिप पे है तो तनख्वाह लाखों में भी जा सकती है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, पर जनरल टर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव शेफ की। भाई एग्जीक्यूटिव शेफ की एक ठीक ठाक से होटल में तनख्वाह लगभग 70,000 से 1,00,000 रुपए के आसपास तो मिनिमम होती ही है, और वो 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख तक जा सकती है, 4 लाख भी आ सकती है। अब इसकी एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है, आप मिशलिन स्टार शेफ हैं, बहुत तनख्वाह आपकी हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको एक जनरलाइज बात बताई कि शेफ की सैलरी कितनी होती है, तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आप शेफ बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। मगर मेरी सलाह तो ये है कि अगर आप शेफ अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छी जगह से करें और हमेशा अच्छे होटलों में काम करें, क्योंकि वहाँ पे अच्छे शेफ्स के अंडर आपको काम करने का मौका मिलेगा। थोड़ा टफ टाइम जरूर रहेगा इनिशियल स्टेजेस में, मगर जैसे जैसे आपका स्किल सेट बेटर होता जाएगा आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। हो सके तो कुछ समय आप शिप्स पे काम करें या इंडिया के बाहर काम करें। देखिए, आप बुक्स पढ़ के एक चीज़ सीखते हो, इंडियन होटल्स में काम करके एक लेवल पे काम सीखेंगे, पर आप बाहर जाएंगे तो और चीज़ें सीखेंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा आपका। तो ये मेरा सलाह रहेगी, ये आप मेरी आपकी मेंटरशिप रहेगी आपको, कि आप अगर शेफ का करियर लेना चाहते हैं तो कैसे इसको प्लान करें, कैसे क्या करें। वैसे आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। मगर आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आप शेफ बनने में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप शेफ बनने में इंटरेस्टेड हैं यानी कि आप कुकिंग में भी इंटरेस्टेड हैं, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है नाइफ एंड कैमरा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वहाँ पे कुकिंग की वीडियोस डालता रहता हूँ, प्रोफेशनल कुकिंग की वीडियोस डालता हूँ मैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपका अपना हॉस्पिटैलिटी मेंटर अगले वीडियो तक जरूर रहूँगा आपके साथ।